ये सारी झाड़ियां हटानी पड़ेगी। कैसे पकड़ रहा है? देखिए इसमें क्या है। अरे भाई सर्दी में ना यहाँ पे सामने बर्फ पड़ जाएगी दिसंबर जनवरी में ना। चल बच्चा चल चल। क्या हो रहा है पापा? हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हैं आप? यहाँ देख रहे हैं दोस्तों भाई, यहाँ पे जो अभी मिट्टी भर गई पूरे रूम्स के आगे है ना, मतलब दीवार खड़ी हो गई। तो आज हम करने वाले हैं सफाई अपने होमस्टे की। हाँ जी भाई, दीपू तो यहाँ पे कम से कम जो है भाई 2-3 महीने बाद यहाँ पे आइए नीचे, नहीं है ना? भाई रूम्स का देखते हैं क्या हाल है ना। भाई रूम्स तो ठीक है, हमारे नियम है, बीच में से खोल के देखे थे। आपने सफाई की मैडम? बीच में करी सफाई तेरी मम्मी ने? भाई मैंने करी थी सफाई ना, मैं बीच में आता रहता था और रूम्स चेक करता रहता था। ये खुल गया त्रिशु, आइए मैडम, वेलकम। रूम्स की सफाई करनी पड़ेगी, गंदे हो रखे हैं काफी, फर्श भी गंदा हो रखा है। भाई सफाई तो थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी जब इतने दिन से बंद रहेंगे। और ये देखो पापा, अभी थोड़ी जब हवा लगेगी ना यहाँ पे तो अपने आप ठीक हो जाएगा। भाई मैट वैट भी गंदा हो रखा है, पर ये देखो ठीक है यार, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब थोड़ी बहुत सफाई तो करनी पड़ेगी ना, वो तो होगा ही। हेलो हेलो हेलो, ओए खराब नहीं करना है तीची, ये ठीक करना है। ये लग गया अपने काम पे है ना, पीपी। और ये है भाई व्यू है ना, बाहर रूम से बैठे बैठे ऐसा व्यू आता है। ये पूरा साफ करना पड़ेगा ना ये एरिया भी, अभी साफ करते हैं सारा सारा। और ये लकड़ियां है ना, ये सारी झाड़ियां हटानी पड़ेगी। ये सारी झाड़ी जब काम चालू हुआ था ना, तो काट काट के पेड़ फेंके थे हमने ना, अब ये सारी टहनियाँ हटानी पड़ी यहाँ से, ये सारी सफाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे भी बैठने के लिए बना रखा है स्पेशल ने फर्श बना रखा है, यहाँ पे टेबल कुर्सियाँ आती हैं बढ़िया। ये देख रहे हो आप भाई, मालिक लोग खड़े यहाँ पे आराम से और मुझे करना पड़ रहा है काम। ओए कटो कटो, ये देखो अभी तेरी मम्मी को मैं सरप्राइज दूंगा, सरप्राइज। अभी आता हूँ, देखो मैं अभी आ रहे हैं पापा। और ये लो भाई, ये है हमारी तरफ से सरप्राइज। ये तो त्रिशु से भी बड़ा है, नहीं त्रिशु हमारा छोटा है, ये तो बड़ा त्रिशु से। ये ले तू खा ले चीजी, ये ले भाई, ठीक है पकड़ लेगा, छोड़ दूं। कैसे पकड़ रहा है? हाँ खा जा खा जा, फ्रेश फ्रेश है, फ्रेश फ्रेश खा जा। नहीं भाई, ये है हमारे खेतों की ताजी सब्जी, कितना घिया खाएगा इंसान। आप लोग जो हमारे होमस्टे में आओगे ना, तब बना के खिलाएंगे आपको फ्रेश फ्रेश। ये नहीं और भी चीजें लगती हैं यहाँ पे, करेला लगता है, खीरा लगता है, टमाटर, बहुत सारी चीजें लगती हैं यहाँ पे। चलो भाई सफाई तो मेरे को करनी पड़ेगी, तुम तो करोगे नहीं है ना, बाद में करेंगे। चलो सर्दी में ना यहाँ पे सामने बर्फ पड़ जाएगी दिसंबर जनवरी में ना, ये पूरा सफेद हो जाता है। ये जो है ना, ये अदरक के पौधे हैं भाई, थोड़ा ना आज एक निकाल के देखते हैं कि इसमें हुए भी अदरक या नहीं हुए हैं। बिल्कुल नीचे से निकालते हैं इसको। ये देखो भाई, देखिए इसमें क्या है। अरे भाई अदरक तो हुए हैं इसमें यार, ऐसी बात नहीं है, कम ही है, लेकिन यार अभी ये बढ़ेगा और ना, मैंने पहले निकाल दिया क्या। ये देख रहे हो आप, फ्रेश है बिल्कुल, कम है लेकिन अभी ना और बढ़ेंगे, अभी खोलनी चाहिए, अभी और करना है, खुद ब्रश करना है, हम नहीं करा सकते ब्रश, फिर खा जाएगा आज। ये कोई तरीका ब्रश करने का है? ब्रश खा रहे हो, ब्रश कर रहे हो है?
थप्पड़ पड़ेगा सिर, चटाक थप्पड़ ऐसे टप टप टप। ये जवाब दे रहा है भी सही, इतना सहनी जवाब देता है, पापा को जवाब देता है तू। ये देखो ये हमारा शैतान पीछे खा गया पेस्ट, आज खा गया पेस्ट हैं। क्या बना रहे हो मैडम आज, क्या खिला रहे हो? भूख लगी बड़ी तेज। ये जीरा क्यों भून रहे हो आप? रायता बना रही हूँ मैं। रायता? ओहो, खीरा, प्याज। हरी मिर्च लाया? ये लो भी आपकी हरी मिर्च। भाई रात को देख के मजा आ रहा है। ये जीरा और काली मिर्च भूनी ना हमने, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कितनी कितनी मिर्च डालूं? डाल थोड़ी सी, मजा आ गया भैया। नमक एक नंबर, मतलब गोलगप्पे के पानी जैसा टेस्ट आ रही है। खट्टा 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 मीठा टेस्ट सारा बढ़िया ना, मजा आ जाएगा। मेरा मन नहीं कर रहा था लंच करने का, मैं सोचा था मैगी वैगी खा लूं, बट अब आएगा मजा। अब इसमें डालते हैं प्याज और खीरा। प्याज डाल देते हैं, सारे ही डाल देते हैं, और ये खीरा हमने अभी तोड़ा है अपने अपने बगीचे से। सारा डालने की जरूरत नहीं मुझे लगता है। इसके बस ये दो फेवरेट पौधे और बाकी सारी चीजें मैं पानी देता हूँ यहाँ पे ना पूरे में। बस इनको नहीं देता हूँ। हाँ इनको नहीं देता हूँ। ये पौधे ना यहाँ पे मिलते नहीं है, ये मैंने कहीं नहीं देखे। ये कड़ी पत्ता और तुलसी, तुलसी तो बिल्कुल ही नहीं देखी, इसलिए ये मैं दिल्ली से लेके आई हूँ, खराब करने के लिए नहीं लेके आई हूँ। ठीक है। कुछ बोलना चाहेंगे आप? गुस्सा कर रही है। ठीक है दोस्तों, भाई हम भी करते हैं भाई अपना लंच है ना, और फिर करनी है बहुत सारी सफाई भी, अपनी होमस्टे की सफाई करनी है, बहुत सारा पड़ा है काम करने को। कल फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए बाय। चल चल चल।